युवा कांग्रेस की रैली के बाद हमीरपुर जिला में कांग्रेस पार्टी के नेताओं व पार्टी से निष्कासित प्रोमिला देवी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां गत दिवस प्रदेश कांग्रेस एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार ने प्रोमिला पर आरोपों की झड़ी लगा दी थी। वहीं आज प्रोमिला ने पत्रकार वार्ता कर सुरेश के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर भी निशाना साधकर उनको नोटिस देने व मानहानि का दावा करने की बात तक कह दी है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रोमिला ने कहा कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह सभी झूठे हैं और उन्होंने कभी भी तबादलों से पैसे नहीं कमाए और उनके पति सरकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी संपत्ति की जांच ईडी से या एफबीआई से भी करवाने को वो तैयार हैं, लेकिन सुरेश व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भी अपनी संपत्ति की जांच ईडी से करवानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका निष्कासन पार्टी के संविधान के खिलाफ किया गया है। मुझे जो ट्रांसफर माफिया के बारे में संलिप्त कहा गया है, मैं उनको कोर्ट में नोटिस, कोर्ट से वकील से नोटिस दिला रही हूं, और मैंने ऐसे गलत काम बिल्कुल नहीं किए। ये लोग खुद ही इन कामों में संलिप्त रहे हैं, इन्होंने खा के किसी का नहीं दिया है, जिसके पुख्ता प्रूफ मैं मीडिया में दे चुकी हूं, और मैंने ऐसे किसी से कुछ खाया नहीं है बोर्ज विधानसभा क्षेत्र के वापिस नहीं किया हो। और जहां तक इन्होंने मेरे पति के नौकरी पे सवाल किए हैं, तो मेरे पति काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और मेरी शादी एक अच्छे घर में हुई है और मैं गरीब की बेटी हूँ। मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, मैं उनका कोर्ट के थ्रू मान होने का दावा ठोक के जो है वो पूरा हिसाब किताब पुख्ता कर रही हूँ। और प्रदेश अध्यक्ष ने सुरेश को आगे करके जो है वो इतनी बड़ी गलती की है, मैंने गैर मुमकिन खड्ड चो नाले बिल्कुल नहीं खरीदे हुए हैं। ईडी के ऊपर है एफबीआई, वो एक अमेरिकन एजेंसी है, उससे मेरी जांच कराएं, लेकिन हलफनामा खुद अपना दें, अपने बारे में भी ईडी को पत्र लिखें। यदि ये इतने सच्चे हैं तो अपनी संपत्तियों की जांच कराएं, और प्रदेश अध्यक्ष खुद अपनी संपत्ति, अपने जितने भी मकान बने हैं उनकी जांच कराएं। और जहां तक मेरे निष्कासन का प्रश्न है, मैं इस निष्कासन को निष्कासन नहीं मानती हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो एक्ट है वो सो कॉज नोटिस दिए बगैर किसी को निष्कासित करने का हक नहीं है, क्योंकि सो कॉज नोटिस होता है पहले और उसके बाद एक्सप्लेनेटरी कमेटी को ये केस जाता है और वो हमें तलब करती है, यदि हम दोषी पाए जाते हैं तो निकाल सकते हैं। वहीं रैली के आयोजकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही पर प्रोमिला ने कहा कि जीते हुए विधायक पर कार्यवाही की मांग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं उन्होंने कहा कि सुरेश को पार्टी ने 3 बार उम्मीदवार बनाया, लेकिन उसने केवल पार्टी को डुबोया है। आपने 3 बार कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके कांग्रेस पार्टी का आप दाह संस्कार, मैं तो संस्कारी नहीं हूं, वो तो कांग्रेस पार्टी का हारने के बाद दाह संस्कार भी कर चुके हैं, और वो उनके ऊपर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी? राजा विक्रमादित्य सिंह का, राजा साहब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो विधायक हैं आज की डेट में विधानसभा में, तो उनका कोई रुतबा है? सुजानपुर से विधायक हैं राजेंद्र राणा जी, उनके ऊपर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे? क्योंकि वो खुद अपने मंजे के नीचे सोठू फेरे है ना, और ये जो है वो ये बहुत गलत रोल प्ले कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। ये खुद जो हैं वो कुआं खोद रहे हैं, खाई भी नहीं खोद रहे हैं, ये कुआं खोद रहे हैं कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने के लिए। और मैं तो इनकी बर्खास्तगी की, मैं करती हूँ इनकी बर्खास्तगी की मांग, क्योंकि ये कांग्रेसी है ही नहीं और ना इन्होंने कांग्रेस के लिए कभी काम किया है। प्रोमिला ने कहा कि पार्टी से लोगों को निष्कासित करके पार्टी को कमजोर किया जा रहा है और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एक तरफा ही फैसला करने में लगे हुए हैं, जबकि चुनाव प्रभारियों से उनकी बात हुई है, ऐसा कोई भी पत्र उन्होंने नहीं डाला है। हालत है, इस वक्त लगभग 250 लोगों को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाला है, उनके पीछे यदि कम से कम वोटों की संख्या भी लगाए तो 2 लाख वोट जो है उनका सीधा ये नुकसान कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। इन्होंने कभी आंकलन नहीं किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अध्यक्ष जरूर रहे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग से काम लिया होता तो शायद उनका आज हम भी इज्जत मान सम्मान से नाम लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे, क्योंकि एक महिला को किस आधार पे उन्होंने कांग्रेस पार्टी से निकाला है, निष्कासित किया है, बिना सो कॉज नोटिस दिए, बिना किसी चिट्ठी दिए, बिना कोई पत्र लिखे,
कौन होते हैं कांग्रेस पार्टी से हमें बाहर निकालने वाले? ऑब्जर्वर साहिबान ने तो हमारे विरोध में कोई लिखा ही नहीं है, उन स्कूल की तो हमारी टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बात हुई है, वो जहां भी हैं उन्होंने तो साफ इनकार किया आपने तो कांग्रेस के लिए काम किया है। प्रोमिला ने सवाल पूछते हुए कहा कि राहुल गांधी को प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू जवाब दें क्योंकि अधिकतर सीटें कांग्रेस ने हारी हैं, वहीं कांग्रेस नेता सुरेश के कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया होता तो वह आज जीत जाते। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरेश ने पहले उपचुनावों में पार्टी के पक्ष में वोट नहीं डालने को कहा था, जिस पर अब इस बार चुनावों में सुरेश को लोगों ने आईना दिखाया है। है बिल्कुल झूठ है। राहुल गांधी जी को प्रदेश अध्यक्ष जी जवाब दें, उन्होंने 15 हारी हुई सीटों पर टिकट लिए थे और वो अपने वो बताएं कि उन्होंने नदौन विधानसभा क्षेत्र के अलावा किस विधानसभा किस कंस्टिट्यूंसी के ऊपर जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए काम किया है। यदि सुरेश जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए उपचुनाव में काम किया होता ईमानदारी से तो आज वो जीत जाते। उन्होंने पहले ही लोगों को पार्टी के विपक्ष में वोट डालने के लिए बोला तो आज उनके पक्ष में वोट कैसे आने। और बड़ी मेन और ज़रूरी बात ये है कि सुरेश जी जिस SC ST कमेटी पूरे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं राज्य के, वो SC लोगों को कितना स्थान दे पाए, भोरंज के SC लोगों को, उन्हीं SC लोगों ने आज उन्हें हरा के रख दिया।